Hello and welcome to Wings IAS, Wings Ek Udaan. Thank you so much everyone for joining us. Today we have with us the rank 26th of this JKS 2021 exam, Miss Saima Ahad. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि JKS exam का result just अभी declare हुआ है और उसके बाद से ही हमने topper talk शुरू कर दी थी. तो आज हमने we are very thankful to Miss Saima who has spared some time for us. Welcome Saima, thank you so much for coming. Thank you sir for having me here. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर विविंग एंड फ्रॉम ऑल द विंग्स एक उड़ान फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ एंड एवरीवन. आपने बहुत ही जबरदस्त रैंक लाया, कंग्रेचुलेशन. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. साइमा जी, हम शुरुआत हमेशा बेसिक से ही करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर एस्पिरेंट की अपनी यूनिक स्ट्रेटजी होती है. आपने भी कुछ अपनी यूनिक स्ट्रेटजी रखी होगी. वो कहते ना कि देयर इज नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल फॉर्मूला. हर इंसान अपने हिसाब से उस स्ट्रेटजी को, टॉपर्स की बातों को सुन के अपने हिसाब से उसको ऑल्टर करता है अपनी नीड्स के हिसाब से. एंड जैसे कि आपने भी अपनी स्ट्रेटजी कुछ ऑल्टर करके कुछ नई चीजें ऐड की होंगी, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट की होंगी, उसी बारे में आज बात करेंगे. सबसे पहले तो शुरुआत हम करते हैं बेसिक से कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, ग्रेजुएशन के क्या सब्जेक्ट्स रहे थे आपके. सर मेरा जो है आई बिलोंग टू गांधरबल, लेकिन मेरी जो है वो श्रीनगर से हुई थी. HMT में एक स्कूल है हुसैनी पब्लिक के नाम से. उसके बाद मेरा प्लस टू कोठीबाग से हुआ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से. उसके बाद मेरा बीटेक हुआ. एक्चुअली आई वांटेड टू डू उस टाइम पे MBBS, लेकिन MBBS हुआ नहीं. आई हैड टू ऑप्शंस, इधर BDS और बीटेक. तो दोनों मैंने उस टाइम पे क्वालिफाई किए थे, बट मैंने फिर बीटेक चुना बिकॉज मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा. तो बीटेक मैंने कंप्लीट किया KU से. उसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर MTech मैंने MBA चूज किया. तो MBA में लेकिन वाइल डूइंग MBA मुझे लगा कि थोड़ा मिसफिट क्लास में अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील करती थी और ऐसे लगता था कि मेरी इनर्जी जो है वो कहीं वेस्ट हो रही है, आई शुड चैनलाइज इट टू समथिंग एल्स. तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज का जो है डिसीजन ले लिया. ओके, सो आपकी आपका ये पहला अटेम्प्ट था इस एग्जाम में? नहीं सर, एक्चुअली मेरा पहले मैंने ऐसे ही दिया था 2016 वाला जो था वो विद टू ऑप्शंस. जी जी. तो उसमें मेरा विद वो मेंस में 100 मार्क्स से कट ऑफ से रह गया था. उस टाइम पे ज्यादा पता भी नहीं थी क्योंकि यहां से MBA यहां से वो कुछ ऐसे ही चीजों को मैनेज करना मुश्किल है. सो वाज इट योर फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट इन व्हिच यू क्वालिफाइड? नो, दिस वाज माय सेकंड सीरियस अटेम्प्ट. तो पहले सीरियस अटेम्प्ट में थोड़ा रह गया था, ज्यादा टाइम नहीं मिला. तो उसमें विद 6 मार्क्स की कमी से मैं रह गई थी, लेकिन इस वाले में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से रिजल्ट आया. नाइस. सो कहीं ना कहीं इस एक फील्ड में ये माना जाता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और लेकिन इस बारी जो देखने को मिल रहा है मैक्सिमम लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो फर्स्ट टाइमर है या तो सेकेंड टाइमर है. अभी तक मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसको मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ओल्ड काफी टाइम से शुरू कर रहे ओल्ड टाइमर्स हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू सी यंग ऑफिसर्स लाइक यू टू एंटर द ब्यूरोक्रेसी. यंग एज में इंसान के पास एनर्जी भी ज्यादा होती है. और वो कहते हैं ना, पीपल हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म. सो वी स्टिल हैव दैट आइडियलिस्टिक एटीट्यूड. And after some time, that idealistic attitude goes down. So I'm sure we'll be bringing a lot of positive changes in the bureaucracy. अब अगर बात की जाए आपकी preparation strategy की, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का. हम सुनते तो हैं टॉपर्स से, videos से, mentors से, लेकिन obviously अपने needs के हिसाब से हम change करते हैं उस strategy को. सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका optional क्या था? मेरा optional answer था. और साथ में आपने एंथ्रो ऑप्शन चूज क्यों किया? मतलब आई मीन ये मेरे 3-4 क्वेश्चन एक साथ में पूछना चाह रहा हूं कि व्हाई एंथ्रो नंबर 1, नंबर 2 हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन द लास्ट 1.5-2 इयर्स, व्हाट वाज योर मंत्रा, और बेसिक से अगर शुरू करना है तो कहां से करना चाहिए. सो so, मैंने जो जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, आई मीन इससे पहले वाला जो था सीरियस अटेम्प्ट, उसमें मैंने एक गलती करी थी कि मैंने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी. तो मैंने जो है नोट्स इधर उधर के देख के मुझे लगा हो जाएगा, तो वो मेरी वहां पे मिस्टेक थी.
तो फिर मुझे लगा कि नहीं, देर इज नो शॉर्टकट, तो मुझे जो है काफी स्टडी करनी पड़ेगी बिकॉज ऑप्शनल है, तो और स्कोरिंग भी था, एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा सक्सेस रेट थी. तो फिर मैंने दिल्ली से काफी मटेरियल मंगाया, मतलब हर कोचिंग सेंटर को ऑलमोस्ट. उसके बाद मैंने चैप्टर टू चैप्टर देखा कि किस वाले मटेरियल में कौन सा चैप्टर अच्छा दिया है, क्योंकि किसी एक ही मटेरियल में आपको सारे चैप्टर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, इवन किसी में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही अच्छा होता था. तो वो मैंने अच्छे से डिटेल एनालिसिस करी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कौन कौन से हॉट एरियाज है जहां से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्वेश्चंस, वो मैंने हर मटेरियल से जो है मैंने क्या किया, बस उस टाइम पे आईपैड अवेलेबल नहीं था तो मैंने पेजेस फाड़ लिए सीधा, तो उनको फिर स्टेपल कर लिया क्योंकि इतना मैं लिख नहीं सकती थी. फिर उनको स्टेपल कर करके फिर एक दो रिविजन करके फिर मैंने तीसरे रिविजन में नोट्स बनाए, क्योंकि तब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी. तो फिर मैंने काफी क्रिस्प नोट्स बनाए, फिर उनको उन्हीं को पढ़ती रही बार बार. तो फिर अच्छे से मैंने आंसू के पेपर्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करे और आई डिड माई बेस्ट, और पेपर्स अलहमदुल्ला बहुत अच्छे हुए, मैं अच्छी सेटिस्फाई थी पेपर के बाद. और मैं मेरा सवाल ये था कि एंथ्रो आपने जब जैसे ऑप्शन चूज करना एक नए कैंडिडेट के लिए एक ट्रिकी सवाल होता है, कुछ उतने ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के कॉमन होते हैं तो उनको ले लेते हैं, लेकिन आपका इंजीनियरिंग था तो इंजीनियरिंग को लोग मैक्सिमम अवॉइड करते हैं क्योंकि मेंटरशिप भी अवेलेबल नहीं होती, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता, और कई सारे लोग ऐसे होते भी नहीं जिनने इंजीनियरिंग से क्वालिफाई किया जिससे हम लर्न कर सकें। बट एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एक कॉमन ऑप्शन है जिनमें चूज करते हैं लोग, तो क्या तरीके यार रहना चाहिए ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट करने का एक न्यू कमर के लिए? जहां तक बात की जाए पूरे साल की प्रिपरेशन की, जो एक न्यू कमर जो आपको देख रहा है, व्हाट विल बी योर मैसेज टू हिम और हर कि हाउ शुड ही और शी गो अबाउट इट, स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू ग्रेजुअली एज इन योर सेल्फ इन दिस एग्जाम, क्योंकि 1-1.5 साल का कम मैराथन है और कई बार मोटिवेशन भी लो हो जाती है, तो हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू गो अहेड इन दिस जर्नी? काफी टाइम तो पता ही नहीं होती है 2 में आता है 3 में आता है किस में आता है, तो वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए.
फिर अकॉर्डिंगली कंपोनेंट टू कंपोनेंट आपको अपना सोर जो है वो फिक्स करना है. तो उसके लिए आई थिंक कुछ डिटेल वीडियो होना चाहिए बुकलेस का, प्री से लेके मेंस तक, तो वो अलग रहेगा. ओके. यानी सबसे पहले सिलेबस से यूज टू हो जाए. हेलो जी, सबसे पहले सिलेबस पूरा देख जी, लें सिलेबस काफी ज्यादा जो है कंफर्टेबल बनाना चाहिए जी. और उसके बाद बुक लिस्ट वगैरह फाइनलाइज करें एंड देन स्लोली एंड स्लोली मूव फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस रादर देन स्टार्टिंग बोथ टुगेदर. ओके, अब बात करते हैं हम द स्किल सेट और द नॉलेज यू रिक्वायर इन प्रीलिम्स इज डिफरेंट देन व्हाट यू रिक्वायर इन मेंस. नॉलेज मतलब एज इन की काफी सारे कंपोनेंट तो सेम रह रहे हैं, सिलेबस कॉमन रह रहा है, कुछ चीजें मेंस में है प्रीलिम्स में नहीं है, कुछ कुछ चीजें प्रीलिम्स में है मेंस में नहीं है. तो किस किस्म का स्किल सेट इंसान को अपने अंदर जी किस तरीके का स्किल सेट इंसान अपने अंदर इंकल्केट करे विद टाइम फॉर प्रीलिम्स एग्जाम फॉर मेंस एग्जाम, इसके लिए क्या कहना है आपका? प्री के लिए तो वही स्किल है कि आप कितना रीजन कर पा रहे हो, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है गलत है, उसके लिए कोई प्रैक्टिस चाहिए, वो आपको ऐसे नहीं आएगी. तो देखना है कि मतलब क्या क्या वो ट्रैप्स रखे होते हैं पीएससी ने या यूपीएससी ने, तो वो ट्रैप्स को आपको थोड़ा एनालाइज करना है, तो आप विद टाइम यूज टू हो जाएंगे. जैसे पहले समझ नहीं आता था जब बिगिनर थे तो समझ नहीं आता था, सब सही लगता था, लेकिन फिर ऐसा ऐसा पता चले कि कहाँ पे क्या कैसे उन्होंने वो किया होता है, वो थोड़ा एनालाइज करके ही आएगा, तो वो आना चाहिए. दूसरा जो है कुछ वो जो मतलब स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे अनोन एरियाज में थोड़ा स्पेसिफिक जाना है, तो वो तो फिर पता ही चल ही जाएगी. जैसे गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट लेवल, वो तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. तो वैसे करके वो सीसैट को इग्नोर नहीं करना है, वो सारे स्टूडेंट्स का सीसैट ही रह जाता है, फिर जीएस पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं रहता. तो इसलिए सीसैट जब आप बहुत ज्यादा श्योर होंगे तब जाके आप ज्यादा टाइम दीजिए जीएस को, अदरवाइज जब तक आपका सीसैट नहीं है तब तक जीएस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है, जो लोग एंथ्रोपोलॉजी लेने का सोच रहे हैं कैन यू प्लीज टेल देम द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. ज्यादा प्रोज ही है, कॉन्स बहुत कम मुझे मिले. ओके, तो प्रो ये है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, चार कॉम्पोनेंट्स है उसके, मतलब सोशियो कल्चर है, फिजिकल है, ट्राइबल है, इंडियन है, तो लगता है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ते टाइम, बोर नहीं होते. सेकेंडली उसमें डायग्राम बनाने का काफी स्कोप रहता है, फ्लो चार्ट बनाने का भी काफी स्कोप रहता है, करंट भी आप ऐड कर सकते हो, अच्छा है, मतलब एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, स्कोरिंग भी है, तो और क्या चाहिए. फिर कौन का इतना है तो कुछ कुछ चीजें रखनी पड़ती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो हो चुकी है तो वो रखना है याद. जैसे आर्कियोलॉजी है, प्राइमेटोलॉजी है, पेलियंटोलॉजी है, जो भी है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बट आप वो तो करना ही है, कोई भी सब्जेक्ट लो वो हर सब्जेक्ट में रहेगा ही कोई ना कोई पोर्शन जो आपको रखना पड़ेगा. तो यही है, बार बार थोड़ा ड्राई है, कुछ कुछ आइडियाज काफी ड्राई है, वो तो बार बार पढ़ने से फिर थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, पहले पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, बट मैंने कुछ चार्ट्स वार्ट बनाए थे जिनको मैं कंटिन्यूअसली देखा करती थी रूम में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे वो इजी लगा. अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज नहीं किया होता तो आप क्या चूज करते, सेकंड ऑप्शन क्या रहता आपका? ऑलरेडी था तो शायद वही रहता अगर, बट शायद तो अच्छा डिसीजन नहीं होता. इस बार तो पबैड लॉ में बहुत कम लोग दिख रहे हैं, इनफैक्ट लॉ के तो मुझे लग रहा है जीरो लोग हैं, लॉ का एक भी अभी तक मैं ऐसा कैंडिडेट जिसे मैं मिल पाया जिसका लॉ रहा हो. इनफैक्ट काफी मुझे लगता है उर्दू लिटरेचर यूज टू बी अ वेरी फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स भी अच्छे आते थे, अभी तक आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन हु हैड उर्दू लिटरेचर सो फार. हो सकता है होल लिस्ट में डेफिनेटली होंगे ही, बट I have not been able to meet them. जहां तक बात की जाए आंसर राइटिंग की, ये सवाल मैंने हर किसी से पूछा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ट्रेंड बहुत कम है, ये बहुत कम लोग इस पे फोकस करते हैं. दिल्ली जो लोग गए हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज पे बड़ा फोकस करवाया जाता है. आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, मेन्स टेस्ट सीरीज, इसका कितना रोल है सिलेक्शन में आपके हिसाब से, या फिर कितना इसका फायदा है आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करने में, स्पेशली मेन्स टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग? सर मैंने क्या ऑब्जर्व की है कि शुरू शुरू में अगर कोई आंसर राइटिंग नहीं भी करता था तो ठीक है चल जाता था, लेकिन अभी इतना ज्यादा कंपटीशन है, अभी लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं,
कोई हर कोई दिल्ली से होके आया होता है, ऐसी लिखी होती है और काफी मेंटरशिप ली होती है ऑलरेडी. तो आपको ये देखना है, आपको उनसे कम्पीट करना है. तो अगर आप इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन आंसर राइटिंग, तो फिर मुझे लगता है दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन. कुछ लोगों के पास बहुत ही इनहेरेंट स्किल होता है, जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उनका लास्ट टाइम पे हो गया था, उनको आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, उनका वो स्किल था. तो लेकिन वो सबके पास नहीं हो सकता है, जैसे मेरे पास नहीं था. तो मुझे, मेरे पास कंटेंट होता था बट मुझे प्रेजेंट कैसे करना है वो मुझे सीखना पड़ा. सबके पास नहीं होता है. तो वो आपको पता होगी, आप खुद को नहीं पता होगी, आप वो चेक कराइए किसी सीनियर से, किसी जिनका हुआ है या जिनको एक्सपीरियंस है, उनको दिखाइए. अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रेजेंटेशन में अभी भी आप इम्प्रूव कर सकते हो तो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए. बिकॉज कंटेंट, मुझे लगता है कंटेंट 50% अगर मैटर करता है तो 50% आपका प्रेजेंटेशन करता है. तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर कंटेंट, तो उस पर आप काफी ज्यादा फोकस कीजिए. बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारा भी यही मानना है। और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बनना शुरू जरूरी है कि लोग चाहे अपने सीनियर से चेक करवाएं, चाहे अपने प्रोफेसर से करवाएं, चाहे किसी मेंटर से करवाएं, जहां भी करवाएं, बट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट रिमेन्स वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि काफी सारे डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं कर पाते बिकॉज इन दैट 9 मिनट दे आर नॉट एबल टू राइट अ क्वालिटी आंसर। प्लस सेकेंड चीज मुझे आप बताएं कि कई लोग बोलते हैं कि इट इज बेटर टू राइट 20 एवरेज आंसर्स इन एवरी जीएस रादर देन राइटिंग 15 गुड आंसर एंड लीविंग 5 क्वेश्चंस। आप पहले सवाल तो ये है कि आपके कितने क्वेश्चन जीएस में अटेम्प्ट हो गए पूरे, क्योंकि 74 क्वेश्चन होते हैं जीएस में, है ना, 20 20 20 जीएस 1 2 3 में और 14 क्वेश्चन जी एथिक्स में। तो आपने 74 में से कितने क्वेश्चन किए थे, और नंबर टू क्या करना चाहिए, एवरेज आंसर ज्यादा लिखने चाहिए या क्वालिटी आंसर कम भी चलेगा? मैंने क्या किया था एक्चुअली, मेरा कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है यूजुअली, तो पिछली बार भी नहीं छूटा था बट फिर भी मेरे 6 नंबर से रह गया था, इस बार भी नहीं छूटा था. तो वो मैंने वो कर पाया क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी, तो आई कुड यू अटेम्प्टेड अटेम्प्ट ऑल द द क्वेश्चंस आंसर्स. इन जीएस एज वेल एज इन ऑप्शनल, राइट राइट सर. ओके ग्रेट। उसके बाद सर मैं कहूंगी मैंने पूरी कोशिश की मैं बेस्ट कंटेंट लिखूं, क्योंकि मैंने क्या किया था सर, मैंने जैसे ऑप्शनल है तो मुझे पता थी एंथ्रो काफी स्कोरिंग है, अगर मैं इसमें अच्छा दूंगी तो मुझे रिटर्न भी अच्छा मिलेगा. तो मैंने हर चैप्टर के कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स बना के रखे थे. तो फिर मैंने क्या किया, मैं बार बार उन्हीं को पढ़ती रही, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द कंटेंट एंड बुक्स एंड ऑल दैट, मैंने क्या किया मैं उन्हीं आंसर्स को पढ़ती गई. तो मैंने वो वैसे ही रेप्लीकेट किए और मुझे लगता है वो काफी अच्छा डिसीजन था मेरा. तो वो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं सब में कंटेंट भी अच्छा दे पाई और प्रेजेंट भी अच्छे से कर पाई. तो मुझे लगता है पहले चलता था कि अगर आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो या कुछ होता था, लेकिन अब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, मुझे लगता है कि कहीं पे भी आप कोई रूम और मत रखिए, आप कंटेंट भी रखिए और प्रेजेंटेशन भी रखिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. आप अपना बेस्ट दीजिए, दैट इज द बेस्ट यू कैन डू. बाकी अगर किसी का 10 नंबर का रह भी जाता है, या मान लीजिए 2 भी रह जाते हैं, उसका फिर भी सिलेक्शन होता है अगर उसने बाकी क्वेश्चन जो अच्छे किए. मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे यूनिक चीज जो मैंने सुना है इस बार के सेलेक्टिव में, जो आपने बोला कि हर चैप्टर पे कुछ स्टैंडर्ड आंसर आपने लिखे हुए थे और फिर आपने एज इट इज रेप्लीकेट किए डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक आई इवन आई आई विल आस्क माय स्टूडेंट्स टू रेप्लीकेट दिस थिंग नाउ, क्योंकि दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग टू डू, रादर देन रिवाइजिंग द होल चैप्टर अगेन एंड अगेन, जस्ट पिक अप द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर रेप्लीकेटेड एज इट इज इन द एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द आंसर्स। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग शुड रेप्लीकेट दिस। और मैंने जीएस में भी कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ कंक्लूजन बना के रखे थे ऑलरेडी, ओके, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, कोई भी मान लीजिए कोई आपका नेबरिंग कंट्री के साथ क्वेश्चन है तो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, मैंने वो इंट्रोडक्शन भी ऑलरेडी बना के रखा था. और कुछ कुछ गवर्नेंस पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ मान लीजिए जो हॉट टॉपिक्स होते हैं हमें पता ही होती है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हंगर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो ऐसे ऐसे ग्लोबलाइजेशन है, तो उन पे मैंने पहले ही सोचा था कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी कैसे कंक्लूड करूंगी. तो मुझे मेंस में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से मैं लिखे आई एंड आई वाज सेटिस्फाइड, मुझे पता थी मेरा नाम होगा लिस्ट में, तो ऐसे रहा. आपने ऑलमोस्ट कितने मॉक टेस्ट या आंसर्स लिखे होंगे मेंस एग्जाम में जाने से पहले? इस साल की बात कर रहा हूँ, नॉट लास्ट ईयर. जी लास्ट में तो मैंने कुछ नहीं लिखा था, वो मेरी गलती थी.
क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था सर, तो जल्दी जल्दी मैं दे दिया था मैंने, आई कुडंट डू माई बेस्ट. लेकिन इस टाइम पे मुझे पता थी यही मेरा टाइम है, इस बार मुझे करना ही मैंने पहले ही वो अंदर से ठान ली थी कि बस दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद मैं फिर से नहीं पढ़ूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी. तो फिर मैंने सर उतने भी अटेम्प्ट नहीं किए, मान लीजिए जीएस वन में मैंने अलग अलग से पहले सर मैं रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी एक एक दो दो, तो वो तो मेरा रूटीन था. अपार्ट फ्रॉम दैट और मैं एथिक्स का मैं रोज एक एक आंसर लिखती थी, मतलब कुछ भी हो एथिक्स का मुझे लिखना होता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा एथिक्स के साथ वो कनेक्शन ब्रेक हो, क्योंकि वो आप में वो आ जाना चाहिए इनहेरिट, आप अचानक से एथिकल वो नहीं लिख सकते हो. तो वो मैं रूटीन था मेरा, रोज एथिक्स का एक आंसर लिखती थी और बाकी जीएस का भी एक दो मैं लिख ही लेती थी. मतलब टाइम फिक्स किया था लंच 1 बजे करूंगी, 2 बजे मैं बैठ के डायरेक्ट तब वो आंसर लिखूंगी, ठीक है, वही मेरा रूटीन था. उसके बाद मैंने फुल टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए और मैंने कुछ आईपीएस थे जामिया में उनसे चेक कराए थे, तो एक बार ये मैम थी वहाँ तो उनसे चेक कराया, तो उनके रिव्यूज मुझे अच्छे खासे मिले और कुछ कुछ उन्होंने मुझे टिप्स भी दिए कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो. जैसे अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखती थी तो वो फिर ब्रैकेट में लिखती थी कि सोर्स, जैसे सोर्स में मेंशन नहीं करती थी, तो फिर उन्होंने बोला कि सोर्स भी मेंशन करो और अगर पॉसिबल हो तो डेट भी मेंशन करो कि किस ईयर में ये स्टेटमेंट आया था या ये डेटा किस टाइम का है. और फिर मैंने वो इनकॉर्पोरेट किया. तो जीएस वन में मैंने ज्यादा फुल लेंथ ज्यादा नहीं लिखे, 2-3 ही लिखे थे. जीएस टू में मैंने ठीक ठाक लिखे थे. जीएस थ्री तो करंट बेस्ड ही होता है तो वो भी 2-4 ही लिखे. जीएस फोर भी मैंने फुल, सिंस मैं पर डे एक ही क्वेश्चन लिखती थी तो मैंने टेस्ट पे फुल लेंथ 2 ही लिखे, मुझे लगा मैं कर लूंगी तो फिर मैंने कर भी लिया. और ऐसे लेकिन मैं हर संडे 2-2 लिखती थी, प्री से लेकर मेंस तक का जो टाइम था, इवन प्री से पहले भी काफी लिखे थे लेकिन प्री के बाद मैं 2-2 ऐसे हर संडे लिखती थी. तो अच्छी एक्सरसाइज थी, मैं अपना टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं करती थी, जैसा है तो वैसा ही रखती थी. तो मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेकेंड अटेम्प्ट जो आपका था उसमें आपने ड्रास्टिकली राइटिंग प्रैक्टिस को इंक्रीज किया कहीं ना कहीं प्रीलिम्स तो. और आप जामिया का आपने जिक्र किया, आप जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में थी या फिर आपका ग्रेजुएशन वहां से हुआ? सर मैंने दोनों दिए थे तो दोनों में हो गया था, बट सिंस मैं एचएससी में रह चुकी थी तो एचएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हाइजेनिक था तो फिर मैंने वही चूज किया. लेकिन मैंने आंसर चेक जामिया से कराए थे क्योंकि वहां पे काफी एक्सपीरियंस्ड एस्पायरेंट्स थे और ऑलरेडी जो ऑफिसर सर्विस में थे उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ली थी. तो इस तरह यहाँ ऑन अ डिफरेंट नोट मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि देर आर 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन दिल्ली, हमदर्द स्टडी सर्कल, जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी एंड जामिया हमदर्द रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी हु स्पॉन्सर कैंडिडेट्स फॉर कोचिंग. वहाँ एज सच फुल फ्लेज कोचिंग तो नहीं होती बट इट्स अ स्टडी सर्कल, एक इकोसिस्टम है यूपीएससी वाला केएएस वाला जहाँ बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर इट हर साल UPSC prelims के पहले पहले उनके फॉर्म निकलते हैं तो यू कैन ऑल अप्लाई फॉर दैट. हमदर्द स्टडी सर्कल, जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए और जामिया हमदर्द आरसीए. सो साइमा प्लस जी प्लस सर आईसीपी भी है, आईसीपी भी बहुत अच्छा डेफिनेटली जो श्रीनगर में ही है. जी हां आईसीपी और शाना सर भी बहुत मोटिवेशन देते रहे हमेशा और ही वाज ऑलवेज लाइक कि इस बार तो तुम्हारा हो जाएगा तो नहीं इसमें कोई शक नहीं है. शाहनवाज सर जो है ही हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट टू रियलाइज देयर ड्रीम. और लेटेस्ट हमारे जो नए ऑफिसर्स भी हैं उरफान सर और बुरहान सर जो भी वहां पर फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं दे हैव प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट. इनफैक्ट जो हमारे अभी प्रेजेंटली डीसी बडगाम है डॉक्टर एस एफ हामिद ही ऑल्सो फ्रीक्वेंटली डिलीवर्स लेक्चर्स ऑन सोशल सर्विस मीडिया. तो वी आर वेरी लकी टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल इन आवर स्टेट. सो साइमा जी आप गांदरबल से बिलोंग करते हैं बेसिकली, आपकी स्कूलिंग श्रीनगर से हुई है तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट और इन जनरल जितने भी थोड़ा फार फ्लंग एरिया के डिस्ट्रिक्ट हैं, व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल हु आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज और फैमिलीज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम बट कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ मोटिवेशन होती है. अक्सर किसी स्टूडेंट को बोले कि यार आप के एस का फॉर्म भरो तो वो बोलते हैं कि अरे यार ये तो के एस है आपसे कहाँ हो पाएगा वगैरह वगैरह. और स्पेशली रूरल एरियाज में तो गाइडेंस की भी कमी है, मेंटरशिप की भी कमी है, लोग भी कम है और सबसे बड़ी बात जो आपने भी फील किया होगा इकोसिस्टम का होना बड़ा जरूरी है. आसपास के लोग आपके ऐसे होने चाहिए जो वो आर मोटिवेटेड अनफ टू स्टडी फॉर लाइक 12 आवर्स अ डे और वो माहौल होना चाहिए वो टेस्ट सीरीज का माहौल वो डिस्कशन वाला माहौल.
What is your message to those people who are studying in isolation in rural areas? What is the message for them? So, जो isolation में पढ़ रहे हैं, पहले तो since मैं बार बार यही बोलती हूँ, online सारा available है. अगर आप कहीं भी हो तो कोई issue नहीं है. आप ये मत समझिए कि नहीं होगा. तो मतलब मेरे पास इतने privileges नहीं है. कोई issue नहीं है. आप जहाँ भी हैं, आप हमसे ज़्यादा privileged हो. क्योंकि जब हमने start किया था, तब कुछ भी नहीं available था. अभी कुछ भी करो, कोई भी टॉपिक हो, कितना भी रेयर टॉपिक हो, आपको फिर भी उस पर 10 वीडियोस मिलेंगे. तो वो कोई है नहीं, मतलब शॉर्टकमिंग नहीं है. लेकिन मैं बोलूंगी, अगर आप मतलब कर सकते हो कि आपका इकोसिस्टम इंप्रूव हो, अगर आप इफ यू कैन गो टू दिल्ली या फिर ICP या ऐसी कोई जगह जहाँ पे बाकी एस्पायरिंग, जैसे आजकल लाइब्रेरी सिस्टम काफी कॉमन हो गया है, तो आप लाइब्रेरीज में जाइए, वहाँ पे ग्रुप्स बनाइए जो जो आपको लगता है सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, या कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे किसी को कोई और भी करना हो, तो वो भी आपको एक हेल्दी ग्रुप रखिए जहाँ पे आप डिविजन ऑफ लेबर भी हो जाता है. जैसे जब हमें नोट्स बनाने थे जीएस मार्क 2-3-4 के, तो हमारा एक ग्रुप था, उसमें लाइक लगभग 5 लोग थे. तो हमने डिविजन ऑफ लेबर किया, कुछ टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए सारे, उस पर बेस्ट बेस्ट कंटेंट ढूंढ के नोट्स बनाते थे. फिर हमने नोट्स का एक पीडीएफ बनाया, कई कॉमन पीडीएफ रखा, उसी को सारे पढ़ते थे, बार बार रिवाइज करते थे और डिस्कस करते थे रोज शाम को फोन पे. तो वो काफी हेल्दी एक्सरसाइज थी. उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अकेले आप उतना नहीं सीखते हो जितना 5 लोगों ने सीखा होगा, और आप शेयर कर रहे हो, फिर आप अपने नोट्स भी शेयर कर रहे हो, आपने कैसे समझा है उसको भी शेयर कर रहे हो. तो वो मुझे लगा कोविड के टाइम पे कोई नहीं पढ़ रहा था, बट वी वर डूइंग दिस, वो काफी अच्छी एक्सरसाइज रही. हमने आंसर राइटिंग भी एक साथ ही फिर ग्रुप में भेजते थे, एक दूसरे का इवेलुएट करते थे, उस वजह से हम डिसिप्लिन रहेंगे. जैसे 10 बजे मीटिंग है तो 10 बजे हम मिलते थे, 11 बजे आंसर लिखना है, 9 बजे पोस्ट करना है ग्रुप में, तो वो वैसे ही चल रहा, हम फिर वैसे ही आगे बढ़े. तो वो आप कर सकते हो. That means, अकेले पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने माइंडसेट वाले लोग ढूंढो जो सीरियस है एग्जाम के लिए, उनके साथ ग्रुप बनाओ, डिवीजन ऑफ लेबर करो, डिस्कशंस करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ये सब चीजें. आई थिंक आईसीपी सर ग्रुप होना चाहिए जो हेल्दी हो, ऐसा नहीं कि आप फिर गप्पे मारने लगे. तो उतना मेजोरिटी आप में होनी चाहिए कि मतलब इधर उधर की बात नहीं हो, बस उतना ही हो जो रेलेवेंट है. सुबह सुबह पता चले हर कोई बंदा मैसेज कर रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. अगर ये मैसेज 10 लोगों को भेजोगे तो आपका भला हो जाएगा. वैसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ काम की बातें होनी चाहिए. आई कंप्लीटली एग्री, बिकॉज स्टूडेंट फेज ही ऐसा है ना, अभी भी वो कॉलेज फेज ही चल रहा होता है कि ग्रुप डिस्कशन तो बना लिया, आज मूवी का प्लान है, आज शॉपिंग का प्लान है, तो उस चक्कर में वो वेस्ट हो जाता है. सो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर पार्टनर्स ऑफ डिस्कशन. दे शुड बी अ लेवल अहेड ऑफ यू सो दैट दे कैन कीप मोटिवेटिंग यू. राइट, सो दैट कैन लर्न. ट्रू ट्रू, आई एम कंप्लीटली एग्री. So, Saima, it was amazing talking to you. We had some wonderful insights from you, especially wo jo anthropology wala aapne bola, har subject pe replicate karna wo wala. That is something which I'll definitely ask the candidates to copy. I really like that idea. And we really thankful to you. You have inspired a lot of people coming for this exam. And we ourselves are inspired by your story. And we wish you all the best. And we will keep troubling you in future also for guidance, for mentorship. And we hope that you'll be able to give your time to candidate. मैं आपसे ये भी request करूँगा कि मैंने अपराजिता से भी ये चीज़ request की थी, who's the rank of 46 जिन्होंने लिया हुआ है, कि अगर आप लोग अपना social media account बना सकें Telegram पे या YouTube पे, और आप वो platform share कर पाएं यहाँ पर अपने channels पे, ताकि लोग आपसे directly connect हो पाएं, तो that will be amazing. Because you have some time, at least 3-4 महीने आपके पास हैं, जिस 3-4 महीने में आपको अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी, गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे फिर बहुत बिजी हो जाएंगे, फिर यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप बनाएं तो जरूर हमसे वो प्लेटफॉर्म शेयर करें, हम उसको आगे तक लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो पाए. सो थैंक यू सो मच साइन साहब, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इनवाइटिंग मी. It was an honor, absolute pleasure to have you.